फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राबिया अनवर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फाइलम कोर डेटा मैंने स्टार्ट कर दिया है। पिछले हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं डाइवर्सिटी के, वो थे हमारे जैसे पॉलीफिरानाइट एरिया, वो मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने कहा पहले करूँ जो फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है, तो देन मैं वो टाइम निकाल के कर दूँगी। तो फाइलम कोर डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें मतलब है ना, कोर डेट्स में हम चार करेक्टरिस्टिक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कोर डेटा सबसे पहले होता है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। डेफिनेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन हो और जो नोटोकोड होती है वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाए, इसको हम कोर डेटा कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी हो, उन्हें हम कोर डेटा कहते हैं। और उनके अंदर नोटोकोड होती है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सॉलिड, वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कोर डेटा। ये एनिमल किंगडम एनिमलिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ आ जाती हैं, इसमें ह्यूमन बीग भी आ जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स पढ़ते हैं कोर डेटा के, चार हैं, मैंने यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं लेकिन चार हैं, एक पोस्ट एनल टेल भी है। सबसे पहला हमारा नोटोकोड, दूसरा है फेरेंजियल पाउचेस, गिल्स एंड होलो डोर्सल नर्व ट्यूब, और चौथा है हमारा पोस्ट एनल ट्यूब। तो नोटोकॉर्ड क्या आता है, अब ये समझ लेते हैं। नोटोकॉर्ड एक रोड सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे रॉड नहीं होती है एक सॉलिड, मतलब यूं कह लें मजबूत सी, बिल्कुल सख्त, वो होती है। ये डोर्सल रीजन में मौजूद होती है। डोर्सल रीजन कहते हैं यानी पीछे वाला, ठीक है, ऊपर वाला कह दें हम यूँ, जस्ट लाइक मैं आप लोगों को ड्रा करके बता देती हूँ। जैसे यूँ ये एक बॉडी है, ये वाला जो रीजन होगा ये इसको हम कहेंगे डोर्सल, और ये वाला जो रीजन होगा इसको हम कहेंगे